नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। कुरुक्षेत्र से गुजर रही ज्योतिसर नहर के अंदर एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि जिस युवती का शव मिला है उसके शरीर पर गहरी चोट के निशान भी हैं। देखने से ये लग रहा है कि इसे हत्या करके नहर में फेंका गया होगा। वही सीमा विवाद को लेकर पुलिस भी आपस में उलझती दिखी। जब मीडिया के कैमरे चले तो पुलिस ने आनन फानन में गोताखोरों के जरिए युवती के शव को नहर से बाहर निकलवाया। गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि इस युवती की डेड बॉडी के ऊपर गहरी चोट के निशान हैं। देखने से लग रहा है मानो इसका मर्डर करके नहर के अंदर फेंका गया हो। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच कर रही है। जी प्रगट सिंह जी, क्या लगता है डेड बॉडी आप निकाली है, क्या? हाँ जी, ये इसके बारे में अभी तो यही ज्यादा कि एसवाईएल नहर से मिली है, ज्यादा पानी का बहाव बहुत कम है और रात के आसपास का ये कांड हो सकता है, क्योंकि इसकी आंख के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा आंख के ऊपर चोट का निशान है, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर करता है कि इसको मारने के बाद ही फेंका गया। क्या लगता है, मर्डर करके फेंका? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल जो बॉडी की स्थिति के मुताबिक तो यही लगता। तो अब तक आप कितनी डेड बॉडी है सर? इसमें अब हमारी आज 11897 स्पीड डेड बॉडी, एक घंटा पहले हम करना लेकर निकाल गए। सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह मिलती? नहीं नहीं, सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं, लेकिन आज समाज जो चाहे वो फॉरेन के लोग हैं चाहे वो इंडिया के लोग हैं, वो सभी काफ़ी हद तक हमें अपना प्यार देते रहे हैं। सरकार की तरफ से तो अभी एक महीने पहले हमारे विधायक साहब एक बार तो पहले उन्होंने झूठ बोला था कि मैं आपको सम्मानित करूंगा या सरकारी नौकरी दूंगा। गीता जयंती की नौकरी थी 3 महीने की, उसके बाद भी उन्होंने मुझे निकाल दिया या मेरे को भगा दिया। तो अभी बहज 20 दिन पहले जो मेरे कुरुक्षेत्र का एक राघव लड़का डूबा था, तो फैमिली ने कहा था कि प्रगट को और कुछ नहीं तो किट तो प्रोवाइड करो, सिलेंडर किट, जो ये दुखी परिवारों की मदद कर सके। तो वो भी सुभाषुदा जी बोल गए, तो 20 दिन से उनका वो भी फोन नहीं। प्रगट, जान हथेली पर रखकर आप नहर में जाते हैं और लोगों की जान बचाते हैं? जी बिल्कुल, ये देखो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि नीचे क्या पता क्या तारे पड़ी हैं, कीकर पड़े, टाणियाँ पड़ी हैं, लेकिन जब हमारे दिल में सोच आती है कि दुनिया साड़ी इज्जत कर दी, चाहे कुरुक्षेत्र प्रेस होए चाहे कुरुक्षेत्र पुलिस होए, काफ़ी हद तक लोग बहुत समाज इज्जत देंदा, तो अपने मान सम्मान वास्ते फिर थोड़ा रिस्क असं चुकने हैं ताकि साढ़े छोटे जे रिस्क लोगों का भला हो सके, किसी गरीब का भला हो सके। डेड बॉडी कब निकाली है, कुछ आइडेंटिफाई हो रही है, कुछ पता चल रहा है? डेड बॉडी सर अभी 20 मिनट पहले निकाली, अभी पुलिस का जांच का विषय है, उसके बाद ये अपना एरिया क्लियर करने के बाद जैसे ही मैसेज देंगे तो फिलहाल आप यही कहेंगे भी कुरुक्षेत्र पुलिस के हवाले निकाल कर कर दिया। जी कर्मवीर जी, क्या बताएंगे महिला की डेड बॉडी? महिला की एक सूचना मिली थी कि दौखेड़ी के पास नहर में ना एक डेड बॉडी मिली है जिसकी उम्र 24-25 साल की है। तो हमने मौका पे गए, एसएचओ साहब प्रगट सिंह को फोन किया और डेड बॉडी को निकाला गया, जिसके सिर पे ना थोड़ा चोट का निशान है, चोट लगी हुई है। आगामी कार्रवाई तो पीस के बाद एसवाईएल नहर से मिली है, एसवाईएल तो चोट वोट के निशान भी मिले, सिर के ऊपर चोट का निशान है। बाकी इतला की जाएगी इलाकों में, हरियाणा पंजाब बाकी पूरा एरिया में, अखबार में, न्यूज पेपर में, केबल टीवी में निकाल के इतला दी जाएगी, जैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।